हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके एस्ट्रो चैनल में। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी में डाइस से कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि डाइस के बारे में थोड़ा बताया जाए, और ये बहुत ही कम वीडियोज़ इसकी अवेलेबल हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आप सबको जैसे पता है कि कई प्रकार की होती है, जैसे कि टैरट से होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, और वैदिक होती है, लाल किताब होती है। तो उसी प्रकार ये भी एक एस्ट्रोलॉजी है। इसमें आप प्रडिक्शन कर सकते हैं यस और नो की। तो आप सामने वाले को कैसे बता सकते हैं कि आप उनका जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उसका आंसर यस है या नो है। तो आज का वीडियो हमारा इस विषय में रहेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ये सारा प्रोसीजर मैं आपको समझा सकूँ। दूसरा, ये रिक्वेस्ट मैं सबसे पहले करना चाहूँगी कि आप जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं कि आप इससे डाइस, ये देखिए डाइस जो है ये आपको अमेज़न पे और कहीं भी किसी भी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी ऑनलाइन। ये कई प्रकार की हैं, कलरफुल भी हैं, वाइट भी हैं, रेड, और कई तरह की जो है ऑनलाइन मिल रही हैं। आप इनको ले सकते हैं वहाँ पे। इस पे नंबरिंग लिखा है, नंबर लिखे हैं, और बहुत सारी ऐसी डाइज होती हैं जिनमें डॉट भी होते हैं, डॉट में नंबरिंग होती है, और उस पे शनि ग्रह ये और सभी जो ग्रह हैं उनके साइन बने होते हैं। तो आप किसी भी जो आपको सही लगे और जिसमें आप इजीली प्रेडिक्शन कर सकें, इजीली किसी को गाइड कर सकें, आपने वो वाली ले लेनी है। और अगर कुछ ना समझ आए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के नीचे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या करना है। जैसे आप दो डाइस ले सकते हैं, एक डाइस तो कभी नहीं लेते हैं, दो या एक, तीन भी ले सकते हैं। तो हम जैसे तीन डाइस लेते हैं, तो सामने वाला जब क्वेश्चन कर रहा है, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इन डाइस को आप ले सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप अगर निकालते हैं, तो मान लीजिए ये नंबर आया है 4, 11 और ये है 9। हम 4, 11 और 9 को प्लस करेंगे, 4, 11, 9, और इन हमको प्लस करेंगे 24। इनका जो प्लस करेंगे तो 24 आता है, 24, और 2 + 4 करेंगे तो 6 आता है। इट मीन्स 6, इन सब का जोड़ अगर 6 निकलता है, टोटल 6 निकलता है, तो इट मीन्स उनका आंसर नो है। तो ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसे ही अगर टोटल 5 आ जाता है तो इसका आंसर है यस। ऐसे ही अगर 3 आ जाता है, सबका टोटल 3 आता है, तो उसका मतलब भी है यस। ऐसे ही अगर 9 आता है, तो सबका टोटल 9 आता है, तो उसका मतलब है यस। और अगर 10 आता है फिर भी यस, 11 आता है तो नो, 12 आता है तो यस, 13 आता है तो नो, 14 आता है तो यस। ऐसे ही इसकी प्रेडिक्शन डाइस की से की जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बाकी सारी वीडियो जो आपने देखी होगी, हम टैरट से कैसे प्रेडिक्शन करते हैं और टैरट क्या चीज़ है, उसकी भी वीडियोस मैंने अपने ये चैनल पे डाल रखी है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में या डाइस का आप सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी सारी वीडियो सीखने के लिए, और एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, और इसको अपना सारा प्रोफेशन बना के अर्निंग करने के लिए या फिर कोई ज्ञान लेने के लिए आप वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो है। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम उस वीडियो पे, उस विषय पे वीडियो बनाना का बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।